पसनी एमएनए मोहम्मद असलम भूटानी पसनी पहुंच गए। जेटी बहाली के लिए जापानी ग्रांट की रकम कहां कैसे इस्तेमाल हुए तहकीकात करेंगे। जो हमें बताया गया कि इस वक्त 50 करोड़ रुपए जो जापान की ग्रांट आई थी वो मौजूद हैं, लेकिन जब हमल साहब ने वजारत छोड़ी थी तो उस वक्त 85-83 करोड़ थे, 88 करोड़। तो हम ये भी ज़रूर इनसे पूछेंगे कि भाई 38 करोड़ कहाँ गए। तो जब मैं एमएनए बना, अभी मैंने हलफ भी नहीं लिया था कि मैं पहले चाइनीज़ सफ़ीर से मिला, उनसे गुजारिश की कि आप हमारी मदद करें, और चाइनीज़ सफ़ीर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पे अपने जो भी यहाँ इंजीनियर्स थे उनको कहा कि आप जाके देखें कि क्या किया जा सकता है ताकि माहीगीरों की सहूलत हो। तो हम पूरी टीम को ले आए। देखिए, हमने 10-15 दिन, अभी हुकूमत इमरान खान की बनी है, हफ्ता भी मुश्किल से हुआ है, लेकिन हम आज यहाँ आपके पास हाजिर हैं। चाइनीज़ यहाँ इसलिए नहीं आ सके, कोई सिक्योरिटी रीज़न था, लेकिन हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर पसनी फिश हार्बर ने उनको पूरी ब्रीफिंग वहाँ दी गवादर में। पहले तो समझने की बात थी ना, अब हम समझ गए कि मसला क्या है। आज अपनी आंखों से देखा कि क्या असल इशू है ना। मोहम्मद असलम भूटानी ने कहा कि अवामी नुमाइंदा हूँ, अवाम के साथ रहूँगा। हमने इनके लिए कोशिश करनी है क्योंकि उन्होंने वोट दे के हमें मुंतखब किया है, तो हम तो दिलो जान से इनके मसाइल हल करेंगे। सिर्फ माहीगीरों के नहीं, बेरोजगारों के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, और भी जितने इनके मसाइल हैं, सबकी तरफ तवज्जो देंगे।